के अंडे या फिर कपड़े? कपड़े भी नहीं थे, तो इसका सही उत्तर क्या है? चिड़िया के अंडे। तो केशव और श्यामा के घर की छत के कार्नेस पर चिड़िया के अंडे थे। अब आगे है, चिड़िया के बच्चों को पालने की योजना किसने बनाई? यहाँ पे हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, अम्मा ने, बाबूजी ने, केशव और श्यामा ने। तो अम्मा तो घर के कामों में लगी रहती थी, तो उसके बाद है बाबूजी। बाबूजी अपने दफ्तर के कामों में लगे रहते थे। अब चिड़िया के बच्चों को पालने की योजना किसने बनाई? श्यामा और केशव ने, केशव और श्यामा ने। तो हमारा सही उत्तर क्या है? केशव और श्यामा ने। आगे है, केशव टोकरी क्यों लाया था? तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, अंडों पर छाया करने के लिए, अंडों को टोकरी में डालने के लिए, या टोकरी से अंडों को फेंकने के लिए। तो बच्चों, केशव टोकरी लाया था क्योंकि उसे अंडों पर छाया करनी थी। तो उसका सही उत्तर क्या है? केशव टोकरी लाया क्योंकि अंडों पर छाया करनी थी। तो सही उत्तर क्या हुआ? अंडों पर छाया करने के लिए। आगे है, नादान दोस्त कहानी में, हमारी कहानी का नाम क्या है? नादान दोस्त। नादान दोस्त कहानी में घर के कामों में कौन लगा रहता था? श्यामा, श्यामा के छोटी बच्ची थी। बाबूजी तो दफ्तर के कामों में लगे रहते थे। केशव भी एक बच्चा था। अब घर के काम कौन करता था? अम्मा। सही उत्तर है अम्मा। अम्मा जी घर के कामों में लगी रहती।